अधिकारियों द्वारा और पुलिस के द्वारा और पता लगाया जा रहा है कि इसमें ये दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन इसमें जो पायलट और को पायलट है उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल वहां पर उस इलाके को पूरी तरह से घेर कर ये पता लगाया जा रहा है कि ये क्रैश कैसे हुआ, लेकिन जो गांव वाले हैं उन्होंने एक जलते हुए विमान को देखा और उसका वीडियो बना के वो फिर वो वायरल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्लाइट जो है श्रीनगर एयरपोर्ट की उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो फ्लाइट आनी थी उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, यहाँ पर भी फ्लाइट को रोक दिया गया है क्योंकि ये इलाका इंडियन जो एयरपोर्ट है हमारा श्रीनगर का वो उससे काफी सटा हुआ है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और घटना स्थल पर इस वक्त हड़कंप मची हुई है क्योंकि पायलट और को पायलट उसकी मृत्यु हो गई है। अभी ये जांच का विषय है, जो श्रीनगर पुलिस है वो संपर्क बनाए हुए है इंडियन एयरपोर्ट से कि घटना का बताया चला जा रहा है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, क्योंकि रात भर यहाँ जेट्स जो है चल रहे थे और वो इस रात में थे कि कहीं पाकिस्तान कोई प्रिय घटना न करे, उसको रोकने के लिए डिफेंस में जो है रात भर यहाँ गश्त कर रहे थे और इतने में ये खबर आई कि एक जो जहाज है MiG-21 वो क्रैश हुआ है, उसके दो पायलट और को पायलट की मृत्यु हो गई है। फिलहाल इस इलाके में जो है रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, श्रीनगर एयरपोर्ट को एक हिसाब से बंद कर दिया गया है, लेकिन फ्लाइट जो है जो आनी थी यहाँ पर उन्हें पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जालंधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। स्थिति थोड़ी तनावपूर्वक बनी हुई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं पा रहा है कि क्या ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ है या फिर कुछ और। जी सचिन भी है श्रीनगर से ही, मेरे साथ लगातार लाइव वहां पर मौजूद हैं। सचिन आप श्रीनगर में ही हैं, खबर है जम्मू कश्मीर के बड़गाम में MiG-21 जो बता रहे हैं खालिद वो क्रैश हुआ है। ठीक है अमन, ये खबर हमारे पास भी थी, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त कुछ स्थिति ऐसी है, इट्स लाइक टू अर्ली टू रीड, क्योंकि हमें बहुत एक तो यूँ कहते हैं कि देख के जानकारी देनी पड़ती है, कंफर्म सोर्सेज से देनी पड़ती है। खबर थी हमारे पास बड़गाम में MiG-21 क्रैश हुआ है, लेकिन ये खबर थी आधिकारिक एयरपोर्ट से कि तकनीकी खराबी के कारण ये क्रैश हुआ है, इसमें पायलट और को पायलट की मृत्यु की खबर है जैसे कि खालिद बता रहे हैं। और यहाँ श्रीनगर में क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए संभालना पड़ता है कि शहर अगर कभी अफवाह जाती है, बॉर्डर के आसपास के बहुत इलाके हैं, पुंछ का इलाका है, राजौरी का इलाका है, जम्मू का इलाका है और उसके यहाँ श्रीनगर के भी कई ऐसे इलाके हैं, तो यहाँ लोगों में काफ़ी एकदम दहशत हो जाती है जैसे कोई वायुसेना का विमान ऊपर से गुजरता है या फिर कोई जेट गुजरता है। तो इसलिए बहुत जरूरी हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि खबरों को पूरी छन करके हम अभी लगभग 10-20 मिनट हुआ था सर, हेलीकॉप्टर था या जेट फ्लाइट था? जेट फ्लाइट सर, कंफर्म। हाँ सर, कोई इसमें कोई आग वगैरह लगी थी? हाँ सर, आग लगी, बहुत आग, बहुत आग लगी सर। हाँ सर, गैरियन बड़गाम सर, बड़गाम। हाँ सर, कंफर्म है जेट है ये? हाँ सर, हाँ सर, इसमें 3 आदमी सर, पायलट 3 है सर। अच्छा, हाँ वो भी जल गए सर, कोई धमाका वमाका? हाँ हाँ सर, दो धमाका हुआ था सर, दो धमाका सर हुआ। हाँ सर, तो जो लोग हैं वहां पर वो 3 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल पायलट को पायलट और शायद एक सिविलियन भी इस हादसे में उनकी भी मौत हुई है ये भी बताया जा रहा है, तो शायद 3 उस वजह से। हालांकि पायलट को पायलट की मौत हुई है इस हादसे में, ये जो हादसा हुआ है अभी जो शुरुआती जानकारी तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ, देखिए डेब्री हादसे के बाद की तस्वीरें, जो विमान वहां पर क्रैश हुआ ये फाइटर जेट MiG-21 जो खालिद बता रहे हैं और ये हादसे के बाद की तस्वीरें। ये जाटा आशा नहीं है, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में वायुसेना का जो फाइटर जेट MiG-21 वो क्रैश हुआ है और ये हादसे के बाद